बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हाउस द जोश। तो सलाम इंडिया के इस स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का महापर्व है, नारों का शोर है, वादे हैं, बहुत सारे दावे हैं, और ऐसे समय में इस शोर में शायद हम ये भूल जाते हैं कि ये चुनाव प्रधानमंत्री के सरकार के 5 साल का अकाउंट लेने का चुनाव होता है। ये वक्त होता है जब प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने अपने काम का हिसाब किताब देते हैं, जनता फैसला करती है। हमें फैसला करना है कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया, बहुत किया या कुछ कमी रह गई। हमको फैसला करना है कि इस देश को एक मजबूत सरकार चाहिए। हमें फैसला करना है कि इस देश को एक खिचड़ी सरकार चाहिए या एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पूरी दुनिया में भारत का सिर गौरव से ऊंचा कर सके। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी। स्वागत करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रजत जी, लंबे अरसे के बाद आज आपको यहां आने का अवसर मिला है। मोदी जी, जब जब चुनाव होता है, शांत हो जाइए, आप लोग जरा अपनी एनर्जी बचा के रखिए। आपको 4 तारीख को भी इस एनर्जी की जरूरत लगेगी। मोदी जी, जब जब चुनाव होता है और आप सामने आते हो तो जनता में इसी तरह का जोश दिखाई देता है, उत्सव का माहौल बन जाता है, और आप जो नारा देते हैं उस नारे को लेकर के लोग बहुत मजा लेते हैं। इस बार आपने कहा अब की बार 400 पार, तो मैं देख रहा हूं डिजिटल मीडिया पे किसने लिखा हौले हौले हो जाएगा प्यार अब की बार 400 पार।
किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार अब की बार 400 का, और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार अब की बार फिर से मोदी सरकार। और क्रिएटिविटी का उदाहरण देखिए, लिखा है साइकिल से जाएं हाथ से कमल का बटन दबाएं। और फिर लिखा बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है, और देश में मोदी की लहर है। अब फिर कोई ये भी लिख देता है कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार अब की बार 400 पार। तो ये जो दीवानगी है हर चुनाव में दिखाई देती है। अच्छा हुआ कि मुझे आपके इस शो में आने का अवसर मिला और आपने रिसर्च करके काफ़ी कुछ कंपाइल किया है। मैं स्वयं इतना दौड़ धूप में रहता हूँ कि इन चीज़ों तरफ मेरे ध्यान बहुत कम होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरा रह गई बतानी, इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई, चार जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी, और लंच पे रोना धोना शुरू। 3 बजे ईवीएम की डोली में वापसी, 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना, और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। अगर आपके पास वो शादी का कार्ड हो तो लोगों को दिखा दीजिए ताकि पता चले क्या निकालते हैं। ये देखिए ये कार्ड है, ये आप सब लोग देख सकते हैं, कोशिश करें इसको स्क्रीन पर भी दिखा दें। अब ये शादी का कम विदाई का कार्ड ज्यादा लग रहा है। इतना तो पक्का है कि देश का जो युवा है उसका जो क्रिएटिव माइंड है वो इस चुनाव में काफ़ी एक्टिव लगता है, और उसके कारण वो हर चीज़ में नारा भी व्यंग भी और बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। और जब ये 400 पार की बात आई तो उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कोई बीजेपी ने घड़ा हुआ नारा नहीं है, ये जनता के दिलों से निकली हुई आवाज है। जहाँ तक मोदी का सवाल है, आप देखते हैं कि 19 से 24 तक हम करीब 360 जीत करके आए थे एनडीए, और सदन में 2-3 दल ऐसे थे जो लगातार हमारे साथ रहते थे। इसलिए एनडीए प्लस देखूं तो हम ऑलरेडी 400 थे। 2019 से 2024 तक सदन में हम 400 थे, यानी 400। अगर आपका परिवार में बच्चा 90 मार्क लेकर के आया और उसके सारे विरोधी या उसके कॉम्पिटिटर क्लास में जो भी बच्चे हैं वो 30 लाए 40 लाए, फिर भी आप उसको नहीं कहोगे यार तेरे बाकी वाले 40 लाते हैं तुम 50 लेके बैठ जाओ बेकार में, काहे 90 की मेहनत करते हो? आप भी उसको कहेंगे कि नहीं यार 90 आए लेके जा 95 के लिए अगली बार ट्राई करो ना। तो 400 होने के बाद मुझे तो मेरे साथियों को कहना ही होगा कि भैया हमें तो और आगे जाना चाहिए, इसलिए 400 पार आया। दूसरा, ऐसे ही किसी क्रिएटिव माइंड ने मुझे सुझाव दिया था कि 370 लोगों के जहन में ऐसा
फीट बैठ गया है। और हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास में देश की एकता के लिए जो प्रयास हुए हैं उसमें धारा 370 को लेकर जो काम हुआ है वो एक महत्वपूर्ण कदम है भारत के विकास यात्रा में। इसलिए किसी ने कहा कि अब तो बीजेपी ने टारगेट करना चाहिए बीजेपी के लिए 370, तो उस 370 धारा में से, और ये मुझे कश्मीर के ही किसी साथी ने बताया था कि 370 सीट का कभी, इसलिए मैंने संसद में कहा भाई ऐसे भी लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि बीजेपी ने 370 प्राप्त करनी चाहिए ताकि 370 का महात्म्य जनमानस में रजिस्टर हो जाए। मुझे याद है जब 5 साल पहले आप इसी तरह जनता के सामने आए थे अपने काम के बारे बताने के लिए, उससे कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे, वो अहमदाबाद में बड़े स्टेडियम में गए थे और फिर वहाँ भी उन्होंने नारा लगाया अब की बार ट्रंप सरकार, वो हार गए। फिर जो बाइडन आ गए तो जितने विरोधी थे ये कह रहे थे कि अब तो अमेरिका से मोदी के रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, वो तो ट्रंप के साथ थे अब तो जो बाइडन आ गए। और हम देख रहे हैं टर्म ख़त्म होते होते जो बाइडन ने आपको बुलाया और व्हाइट हाउस में ऐसा सम्मान किया जो हमने पहले कभी नहीं देखा। I'm honored to be the first to have you here in 15 years. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. He really wants to do the right thing for India. He wants to be open, he wants to be supportive of new companies. And obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage. I am a fan of Modi, so. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. पहले भी हमने प्रधानमंत्री देखे हैं, पहले भी हमारे प्रधानमंत्री विदेश में गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि दुनिया के ये लीडर जो अपने आप में ताकतवर हैं, जिनको किसी की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके बारे में इतने प्यार से, इतनी दीवानगी से बोलते हैं? और पुतिन का ये कहना कि मोदी किसी के आगे झुकते नहीं, हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि पहले कोई प्रधानमंत्री जाते थे तो पता नहीं चलता था कि गए हैं। और वापस आते थे तब भी पता नहीं चलता था कि आ गए क्या। दूसरा, इसमें मोदी नहीं है ये हम भ्रम न फैलाएं और न हम भ्रम में रहे। मोदी शायद निमित्त हो सकता है और बोलने में शायद सरल है इसलिए सरलता से उपयोग हो जाता होगा, लेकिन ये जो कुछ भी करिश्मा है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, भारत के सामर्थ्य का है। और मोदी ने 2013 में जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया था, तो फिर मुझे लोग उसी रूप में मेरे से हर चीज़ पूछने लगे, मेरा एनालिसिस करने लगे। तो मेरी एक जो आलोचना होती थी मीडिया में, अगर आप लोग देखेंगे तो, अरे यार ये तो स्टेट में से आ रहा है, इसको
मैं पूरे हिंदुस्तान की समझ है, ये दुनिया को कैसे अपनी बात को करेगा, ये दुनिया में कैसे अपनी बात ले जाएगा, दुनिया के साथ क्या करेगा। फिर जब टीवी मीडिया का दौर शुरू हुआ, चर्चाएं होने लगी, मेरे इंटरव्यू होने लगे, तो घूम फिर के ये सवाल आता था, भाई कि आपको तो कोई अनुभव नहीं, आप करेंगे क्या विदेश नीति में। अब चुनाव हिंदुस्तान का था, लेकिन सबने इकोसिस्टम ने फोकस ग्लोबल बना दिया था, ताकि मोदी उसी में फंस जाएगा, यहाँ तो अच्छी तरह खेल लेगा। तो मैंने तब एक वाक्य कहा था विदेश नीति के संबंध में, मैंने कहा मैं वो तो देश की एक कंटिन्यूटी होती है, लेकिन जहाँ तक मोदी का सवाल है, अब देश न आँख झुका के बात करेगा, न देश आँख उठा करके बात करेगा, लेकिन ये देश आँख मिलाकर बात करेगा। और मैं जब मुझे कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि मैं तो कभी चाय बेचता था, ये देश दुनिया के इतने बड़े आदमी है, ये चाय वाला क्या करेगा, जाके चाय परोसेगा और क्या करेगा। लेकिन मेरे मन में जब भी मैं दुनिया के बड़े बड़े महारथियों को मिला, जरा वो हाइट बॉडी में भी ज़्यादा होते हैं, कलर स्किन भी बड़ी उनकी प्रभाव पैदा करने वाली होती है, लेकिन जब मैं मिलता हूँ तो मैं मोदी नहीं होता, जब मैं हाथ मिलाता हूं तब मुझे पता होता है कि 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। और जब मैं 140 के मिजाज में ही चलता हूं तब मुझे दुनिया बहुत छोटी लगती है। मुझे लगता है मेरे देश के पास कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, मैं इस विश्वास से भरा हुआ होता हूं, और उसका प्रभाव तो होता ही होता है। सामने वालों को लगता है यार ये कल तो ऐसी कोई बात नहीं करता था, पहले तो कोई ऐसे खड़ा भी नहीं रहता था, ये तो यूं खड़ा रहता है, तो फिर भी उनका भी सोचना बदल जाता है जी। हमें भी अजीब लगता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जैसा ताकतवर व्यक्ति G7 में आपको ढूंढते ढूंढते आ रहा है, कहाँ गए मोदी जी। ये बात सही है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरे संबंध बहुत नज़दीकी हैं, खुलेपन के हैं, हर किसी से मेरी ऑफिशियल बातचीत के अलावा इनफॉर्मल बातचीत का दौरा बहुत होता है, मेरे टेलीफोन कॉल्स भी बहुत होते हैं, और मैं इप्स एंड बर्ड्स वाली बात नहीं करता जी। बादल होंगे तो बारिश होगा वगैरह ऐसी बातें मैं नहीं करता जी। बारिश होगा तो मैं कहूँगा हाँ होगा, नहीं होगा तो मैं कहूँगा नहीं होगा, यानी ब्लैक एंड वाइट में मेरी बात रहती है। तो दुनिया इसे पसंद करती है, दुनिया गोलमोल चीज़ों के बजाय, उनको पता है, जैसे मैं रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है मेरे देश के लोगों पर ना पड़े, तो मुझे जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं लूँगा, क्योंकि मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूँ, कोई मेरी तारीफ करे के लिए मैं थोड़ा पैदा हुआ। लोगों ने मुझे कहा साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। और हमने कारोबार चालू रखा, आज हमें हमारे देश को हम बचा पाए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम राष्ट्रपति पुतिन के साथ चेयर पर बैठ करके टीवी के सामने मैं कह सकता हूं कि ये युद्ध का समय नहीं है। और इसलिए दुनिया मेरे विषय में दुविधा में नहीं है, और उसको लगता है ये हिंदुस्तान का मिजाज है जो मोदी बोल रहा है। लेकिन मोदी जी पहले भी हमारे नेता जाते थे, वो बड़े बड़े नाम वाले नेता जाते थे, या तो आप अमेरिका के साथ रहेंगे या रशिया के साथ रहेंगे, ये बोलोगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, वो बोलेगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, ये बैलेंस आपने चेंज किया। ये मूलभूत हमारी एक मुझे लगता है कि उस समय जो मूलभूत सोच रही थी वो ये थी इक्वल डिस्टेंस वाली, यानी हम सबसे इक्वल डिस्टेंस बना करके रहते हैं,
दूरी बनाना ये मानदंड था, मैंने आकर के इसको बदला, हम दुनिया से जितनी हो सके उतनी नजदीकी करेंगे। डिस्टेंस वाला शब्द ही मैंने निकाल दिया। इससे क्या हुआ कि किसी को लगता है अच्छा वो मिस्टर ए आगे गया तो बी को लगता है यार मैं रह गया तो वो भी आगे आता है, फिर इधर से सी को लगा कि मोदी के पास वो तो पहुंच गया यार मैं रह गया तो इधर वाला डी आता है। तो सब लोगों के अब लगता है कि हिंदुस्तान के पास जाना चाहिए और ग्लोबली कॉम्पिटिशन है हिंदुस्तान के निकट आने की। हमने विदेश विभाग ने पहले काम ऐसा किया कि दूरी बनाए रखो, क्यों तो भाई हमारी चलेगी। आज मेरी स्थिति ये है, अब देखिए एक घटना मैं बताता हूं, मैं इजराइल जा रहा था तो सभी ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना जो इस दुनिया में बड़े हुए हैं मुझे एडवाइज करते हैं कि साहब इजराइल जाते हैं तो पैलेस्टाइन जाना ही चाहिए, भारत में सेक्युलरिज्म का अर्थ यही है कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर गए तो साहब को इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी। ये ऐसी साइकी बनी हुई है जी। तो मैंने सोचा भाई मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूंगा, इसराइल से अकेला जाऊंगा, इसराइल से वापस मैं पैलेस्टाइन नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं पैलेस्टाइन भी जाऊंगा तो सीधा पैलेस्टाइन जाऊंगा और वापस आऊंगा। मैं ये क्लब करके हमारे देश के सेकुलरिज्म की जो विकृतियां हैं मैं उसका शिकार नहीं होने वाला। और देश की आजादी के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इसराइल गया, शान से कार्यक्रम किए, तब वापिस आए। दो तीन महीने के बाद मेरा पैलेस्टाइन का कार्यक्रम बना तो मैं सीधा पैलेस्टाइन गया। तो उस वहाँ पर जाते समय लॉजिस्टिक प्रॉब्लम था, मुझे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी, मैं जॉर्डन से जाने वाला था। तो जॉर्डन के किंग जो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस है, जॉर्डन के किंग मोहम्मद पैगंबर साहब के डायरेक्ट वारिस है, उनको पता चला कि मैं ऐसे ही वहां से पास हो रहा हूं, उनका जी नहीं मैं अपना कार्यक्रम बदल करके जॉर्डन वापस आऊंगा, आप मेरे आइए हम बैठेंगे और आपको हेलीकॉप्टर आपके देश से लाने की जरूरत है, मेरे हेलीकॉप्टर में जाएंगे और पूरी यात्रा में मेरी व्यवस्था रहेगी। जॉर्डन के किंग एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कुछ दिन पहले इसराइल जाके आया हुआ है, इतना ही नहीं मैं जॉर्डन के किंग का हेलीकॉप्टर में जब जा रहा था पैलेस्टाइन तो इसराइल के 6 विमान उनके एयरफोर्स के वो उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे और मुझे यानी जॉर्डन सम्मान दे रहा है, मुझे इसराइल सम्मान दे, और मैं जा रहा था पैलेस्टाइन, वो इसराइल को मालूम था फिर भी वो मेरा सम्मान कर रहे थे। मैं जब मैं मेरा कहता हूं, मैंने मोदी की बात नहीं कहता हूं, मेरे देश की बात कर रहा हूं। और जब पैलेस्टाइन गया तो उतना ही सम्मान दिया गया मुझे पैलेस्टाइन में जितना कि इसराइल में। इसका मतलब यह हुआ, अब देखिए अभी कुछ ही दिन पहले हमने चाबहार में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, और मैं बताता हूं सेंट्रल एशिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। आपने देखा होगा कल अफगानिस्तान के तालिबान लोगों ने बहुत तारीफ की है हमारे इस निर्णय की, अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, इजराइल और अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध होते होते बच गया है। ऐसी संकट की घड़ी में भी ये दुर्भाग्य है कि वहां के राष्ट्रपति जी वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको हमें खोना पड़ा, और मिस्टर रईस जो जिनका अभी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई उनकी पत्नी भी हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ उसका बहुत अच्छा निकट संबंध है, यानी जीवन संबंध है, तो मेरे एक प्रकार से अच्छे घरेलू इन लोगों से संबंध है, तो एक अच्छे साथी को मैंने खोया, इसका दुख भी है। लेकिन उनके मृत्यु के कुछ ही समय पहले हमने चाबहार का एग्रीमेंट किया। मैं मानता हूं कि सेंट्रल एशिया में, लेकिन दुनिया ने किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं और दुनिया में, अच्छा मेरी एक बात साफ होती है, मेरे देश की नीतियां किसी तीसरे के संदर्भ में मैं नहीं करता हूं, मेरी अपनी देश की आवश्यकता है, मेरे देश की प्रायोरिटी है, उसी के हिसाब से चलूंगा। वैसा ही प्रॉब्लम है,
कोरिया और जापान का। ज्यादातर नेता जाएंगे तो कोरिया जाएंगे, जापान जाएंगे, जापान जाएंगे कोरिया जाएंगे, क्लब करते हैं। उनका कहना ये हमारा इंसल्ट है, आप अकेले क्यों हमारे साथ हैं। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूं। मैं कोरिया अकेला गया, बाकी 10 जगह पर जापान नहीं गया। जब जापान गया तो कोरिया नहीं गया। उनको मैसेज जाता है हाँ यार ये इंसान को समझ है। तो मैं दुनिया जो खींची रहती है और बड़ी बारीकी से इन चीज़ों का मैं अध्ययन करता हूँ। मैं GCPT एडवाइज पर चलता नहीं हूँ जी, और उसका परिणाम है कि आज दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। एक उदाहरण हमने जय जयकार का देखा, पाकिस्तान के छात्र यूक्रेन से भारत का तिरंगा लेकर उसकी आड़ में वो निकले। अब देखिए हमारे देश में भी कैसा चल रहा है, मैं तो हैरान हूँ। इस देश में के प्रयत्नों से अगर कोई चीज़ अच्छी होती है, हो सकता है जिसको सहन नहीं होता है चुप रहे, ये तो हो सकता है, तारीफ ना करें ये भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उसके विरुद्ध मैं तो देखता हूँ, इन दिनों में भी पत्रकार मुझे पूछते हैं क्या सचमुच में आपने टेलीफोन किया था यूक्रेन को, सचमुच में आपने पुतिन को फ़ोन किया था। मैंने कहा भैया कॉल डिटेल निकलवा दो, मैं तो क्या थक गया, मैं जवाब नहीं देते दे। आप इन लोगों को क्या करूं नहीं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं जी, पहले तो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, दो राष्ट्राध्यक्षों से बात करके अपने छात्रों के लिए रास्ता निकाल दे। इसलिए मुसीबत यही है कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान के तिरंगे की यह ताकत होती। और मेरा पहला अनुभव मैं बता दूं, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूं, स्टडी करता हूं, एनालिसिस करता हूं। मैं पहली बार कब अनुभव हुआ, जब नेपाल में भूकंप आया तो हम जितनी मदद हो सकती थी हमारी तो जिम्मेवारी थी, क्योंकि और मुझे एक अनुभव था गुजरात के भूकंप के बाद काम का, मुझे अच्छा अनुभव था, तो मैं खुद चीज़ों को लीड करता था, मोबिलाइज करता था। लेकिन मैंने वहाँ देखा दुनिया के करीब 40 देश के लोग होंगे जिनको हमने कोई न कोई मदद करके नेपाल से बाहर निकाला। तो उस दिन मैं समझ गया कि अब तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हेल्प इसका ठेका पश्चिम का है, मैंने तय किया ये ठेका मेरा रहेगा। और इसलिए आपने देखा होगा कोविड में हम लोग चाइना से लोगों को वापस लाए तो बहुत सारे अन्य देशों के लोगों को लेकर आए। यमन में मुसीबत आई, हम अन्य देशों के लोगों को ले आए और उनको बाद में उनके देश में भेजा। अभी सूडान में हुआ हमारे देश के साथ, वहां भी अन्य देश के लोग फंसे थे उनको भी ले आए। तो आज दुनिया में जो कभी हमारा नाम नहीं था, कि वरना तो ये था भी ये पश्चिम की दुनिया का ही एक प्रकार का उस पर ओनरशिप थी कि भाई ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम होना वाले यही लोग करते, ये लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं करते। आज स्थिति ये है कि भारत आप क्या करोगे मुझे पूछते हैं लोग, आप कैसे करोगे पूछते हैं, और मैं करता भी हूँ। अब जैसे आर्टिकल 370 जब वापस लिया तो आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि ये मिडिल ईस्ट के देश नाराज़ हो जाएंगे, कोई अरब कंट्रीज हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारे चार काम बंद कर देंगे? अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है और ये जवाब मेरा शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, और शायद पहली बार मैं इस विषय को आपने मुझे ऐसी जगह पे छू लिया है कि शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको आर्टिकुलेट करने की, क्योंकि एकदम से आपने पूछा है तो। लेकिन हमारे देश में जब भी कश्मीर की बात आती थी तो 70 साल तक इसको इंटरनेशनलाइज किया गया, दुनिया का हर देश कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करता था। थोड़ी बहुत अटल जी ने कोशिश की थी कि टेररिज्म को सेंटर पॉइंट लाए, लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया में, और इसलिए 370 के संबंध में भी ये स्वाभाविक था कि दुनिया कोई बहुत बड़ा नाराजगी व्यक्त करेगी। हुआ उल्टा, दुनिया ने जितने देशों को लोग मानते थे कि इन मुद्दों पर भारत पर वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, भारत को घेर सकते हैं, अधिकतम लोग मौन रहे,
जिन्होंने कहा वो ये कहा कि ये उनका इंटरनल मामला है। दुर्भाग्य ये है कि अरब देश तो शांत रहे, दुनिया के सभी इस्लामिक देश शांत रहे, मेरे देश की कांग्रेस चू चू करती रही। ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी मानसिक विकृतियों से भरी पड़ी हुई इनकी सोच है, दुनिया ने, और अच्छा 370 के बाद में दुनिया के कई इस्लामिक देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके आया हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 370 के बाद मेरे 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी, 370 के बाद की घटना है, उनको जिंदा वापस लेके आ गए। उस समय मोदी जी, मैं बहुत सारे जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं उनके बयान सुनता था, जब कतर में हमारे लोगों को फांसी की सजा हो गई, वो जेल में थे, ओवैसी ने कहा मोदी जी तो कहते थे उनके बड़े संबंध हैं, क्या हुआ? अरे ये तो विश्वगुरु बनते थे, क्या हुआ? किसने कहा कि कतर, मोदी जी कहते थे इज माई सेकेंड होम, अब कुछ नहीं कर पा रहे? या तो उन्होंने मोदी का पूरा स्टडी नहीं किया है, या तो वो मोदी की बात आई उस समय मीडिया में जाएंगे तो थोड़ी जगह मिल जाएगी इसलिए जैतल ही जाते हैं, क्योंकि मोदी एक ऐसी ब्रांड है जिसमें, जिसके कारण तो गाली देने से भी उसको स्पेस मिल जाता है, और इसलिए लोग मौका ढूंढते हैं, यार गाली किसी और को देने से क्या फायदा है, मोदी को देंगे तो। और इसलिए जल्दबाजी, उनको पता होना चाहिए कि यार कुछ तो होगा, ये कुछ तो चलता होगा, बोलता नहीं है कुछ करेगा, ये इनको समझ होनी चाहिए। अब इतने साल हो गए, अब मेरा और मेरे कोई सीक्रेट कुछ नहीं है, ओपन है जी, कोई ढंग से बराबर स्टडी करे, मीडिया के लोग भी नहीं करते जी, माफ करना, ढंग से स्टडी करे तो कह सकता है ये हुआ है ना, देखिए 3 दिन के बाद मोदी ये कदम उठाएगा, 5 दिन के बाद ये उठाएगा, 7, आप तय कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी नहीं, क्योंकि आपने एक बनी बनाई परसेप्शन में जीना चाहते हो, उसी को फैलाओ और उसके अनुकूल कुछ एनेक्डोट मिल जाए तो ढूंढते रहते हो, इसके कारण सारे के सारे लोग फेल हो जाते हैं। इस बार भी उनको लगता था कि 400 पर, आखिरकार स्थिति क्या हुई? इन सबको कहना ये पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती, ऑपोजिशन क्या कहता है? उनको समझ ही नहीं आया कि कहा ले जा रहा हूं मैं। तीन चरण के बाद किसी ने उनको कहा कि आप पूरा कैंपेन ये लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया था, और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तोबा, हाय अल्लाह तोबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पहले मोदी जी, हम लोग परेशान रहते थे पाकिस्तान से, यहाँ आए मार के चले गए, यहाँ आए मार के चले गए, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, वो पिछले टर्म की बात थी। इस टर्म में पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। मुद्दा वो नहीं है, पाकिस्तान के लोग परेशान हैं मैं जानता हूँ,
उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन दुख इस बात का है जब मेरे देश का ही एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति ये कहे कि कसाब को, यानी कसाब ने हमारे देशवासियों को नहीं मारा था, हमारे देशवासियों ने ही हमारे देशवासियों को मारा था। पाकिस्तान की फेवर में, कसाब की फेवर में, मेरे देश के एक पार्टी जो सालों तक सत्ता में रही है, जब 26/11 हुई तब वो पावर में थे, उनकी तरफ से जब ये बयान आ जाए कि ये कोई पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद नहीं किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, तब जाकर के माथा शर्म से झुक जाता है, बहुत दर्द होता है। मुझे मेरी वहां से खबर आया कि भाई हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ढिकना मारा। अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता हूं जी, यहां वाले क्यों रोते मैं समझ नहीं रहा हूं। यहां वालों ने एक और ऐसी बात कही थी जो बहुत शर्मनाक है। जब राम मंदिर बन के तैयार होने वाला था तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रेन में राम भक्तों को ले जाएंगे और पाकिस्तान की मदद से उस ट्रेन के ऊपर गोले बरसाएंगे, लोग मर जाएंगे, दंगे होंगे और फिर मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे। अब दंगे तो नहीं हुए, कोई ट्रेन भी नहीं जली। अब जाकर के उनको किसी ने पूछना चाहिए कि भी आपका, आप कोई दवाई ववाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कोई मेडिकल चेकअप कराया कि नहीं कराया, कोई तो पूछो जाके भाई। चलिए आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन उनकी हेल्थ का तो पूछो, उनकी बीमारी क्या है ये तो पूछो, क्योंकि ऐसी बातें ऐसे नहीं निकलती भाई, कोई स्वस्थ मनुष्य थोड़ा करता है। तो सचमुच में आप जैसे लोग, और आप लोगों की पहुंच हर जगह पे होती है, जरा पूछो तो भाई अब तबीयत ठीक है ना, ये पूछना चाहिए उनको। कुछ नहीं हुआ फिर भी 400 पार, हम क्योंकि पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे, वहां के लोग के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने देखे, जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ऐसा है, उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पर झंडा हो वो सब कुछ है। इसमें बात आई सेक्युलरिज्म की, आपने जहां पर हमारा चंद्रयान उतरा उसका नाम शिव शक्ति स्थल रख दिया। ये देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज में वोट बैंक के नजरिए से देखा जाता है। कोई मुझे कहे कि शिव शक्ति से इतराज क्या है जी, इस सृष्टि के नियंता है। और मेरा गुना ये कि मैंने कहा कि चंद्रमा पर, जहां पर मेरा चंद्रयान लैंड किया था, उस पॉइंट का नाम मैं किसी भी बीजेपी के नेता का रख सकता था, कोई मुझे मना नहीं करता, क्योंकि उन्होंने वो परंपरा बनाई थी। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने शिव शक्ति रखा। तो वो इनके दिमाग पर ऐसा उसका असर था, बोल तो पाए नहीं, लेकिन बाद में कोई एक साल के बाद उन्होंने बयान दिया कि हिंदू में जो शक्ति है ना, मैं उस शक्ति का नष्ट कर दूंगा। अब वो मुझे पता है यार, उस दिन का जहर वहां तक पड़ा हुआ है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मैंने शिव और शक्ति दोनों बोला है, और शिव में जहर पीने की ताकत भी तो बहुत होती है। अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इतना समारोह हुआ, राम मंदिर बना, इस पर भी उनकी आपत्ति है। उनका कहना है कि इसको आपने बीजेपी का समारोह बना दिया। पहले तो लगता था कि शायद
सेकुलरिज्म की उनकी जो विकृत मानसिकता है उसका परिणाम होगा कि वो 70 साल तक इस मामले को अटकाने के लिए जो भी कर सकते हैं करने की कोशिश की। उनको लगता था कि इस मुद्दे को इस प्रकार से रखेंगे तो उनकी वोट बैंक सुरक्षित रहेगी। लेकिन राम मंदिर बन जाने के बाद वोट बैंक सुरक्षित रहने का मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि वो मुद्दा उस प्रकार से उनके काम आने वाला नहीं था। उसके बाद जब विरोध किया तो मुझे लगता है कि 70 साल तक उन्होंने जो किया वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कि इतना ही नहीं है, वो मन से वचन से कर्म से राम विरोधी है। राम के प्रति इनके मन में घोर रोष है और इसका परिणाम है कि अभी भी, अब देखिए कोई बच्चा रास्ते में जय श्री राम बोले तो मैं शायद बोलूंगा जय श्री राम, कोई मुझे कोई ग्रीट करे नमस्ते तो मैं करूंगा नमस्ते, कोई मुझे कहे हेलो तो मैं कहूंगा हेलो, कोई कहेगा जय श्री राम तो मैं कहूंगा जय श्री राम। आपने देखा होगा जब वो जाते हैं कोई जय श्री राम बोलता है तो उनके चेहरे की सारी रेशाएं बदल जाती हैं, मुंह पे ताला लग जाता है, पता नहीं वो क्या क्या करने लग जाते हैं। अब अरे आप बोल दो यार जय श्री राम, क्या जाता है आपका? यानी इतना। और दूसरा देखिए, मैं कहूंगा ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है ना, मैं उनको सच में बधाई दूंगा, क्योंकि राम मंदिर तो न्यायालय के निर्णय के बाद हो रहा है। सारी दुनिया को मालूम है कि न्यायालय में भी रुकावट डालने का काम कौन करता था। 19 में तो यहां तक कह दिया था कि जजमेंट अभी मत लाओ वरना बीजेपी को फायदा होगा, न्यायालय में कहा गया था, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था। चलिए ये सब तो छोड़े, अब न्यायालय, इसके बावजूद भी ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग उनके घर गए और जाकर के सम्मानपूर्वक निमंत्रण दिया कि भाई जो हो गया हो गया, भूल जाओ, आइए आप भी आइए। जैसे वो उनके यहाँ गए वैसे ही जो दो दो तीन तीन पीढ़ी से अदालत में लड़ाई लड़ रहे थे अंसारी परिवार, उनके बेटे इकबाल अंसारी जो भी अदालत में राम जन्मभूमि के खिलाफ केस लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी निमंत्रण दिया कि भाई चलिए अब तो न्याय का निर्णय हो चुका है, न्यायालय का आप आइए, आप देखिए साहब निर्णय देश करे। इकबाल अंसारी जो कि जीवन भर उनका परिवार बाबरी मस्जिद के लिए अदालतों में लड़ता रहा, राम जन्मभूमि के विरुद्ध में लड़ता रहा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के बैठे और इन लोगों ने बहिष्कार किया। तब जाकर के चिंता होती है कि क्या सोच है। इतना ही नहीं, मुझे बाद में अभी पता चला कि श्रीमान इकबाल अंसारी वो कोई अमीर व्यक्ति नहीं, सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं। उन्होंने भगवान राम मंदिर का जो एक मॉड्यूल था लकड़े का, वो कहीं से खरीद के लाए और उनका जो PSO था वो हिंदू है, उसको उन्होंने गिफ्ट किया, इकबाल अंसारी ने गिफ्ट किया उनको। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनको लगता था कि ये मेरा हक है इसलिए मैं लड़ता हूं, लेकिन न्यायालय ने एक बार निर्णय किया उसको उन्होंने सिर आंखें पर चढ़ाया। तो इकबाल अंसारी को मैं सेकुलरिज्म सही है कि इनका सेकुलरिज्म सही है, ये चिंता का विषय है देश के लिए। इसीलिए आजकल आपको सांप्रदायिक कम्युनल हिंदू मुसलमान करने वाला कह रहे हैं। ऐसा है कि या तो किसी ने नई डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी डिक्शनरी खाली हो गई, मुझे गाली देते देते सारी डिक्शनरी के शब्द प्रयोग खाली हो गए हैं, अब उनके पास कोई गालियां ही नहीं बची हैं, तो घूम फिर करके वो हिंदू मुसलमान बोले बिना उनकी वोट बैंक को वो जगा नहीं सकते, क्योंकि काम तो किया नहीं। 60 साल तक किसी मुसलमान बच्चे को पढ़ाया होता, उसको कहीं अच्छा रहने के लिए घर दिया होता, उसको टॉयलेट दिया होता, उसके घर में बिजली दी होती, बच्चों की अच्छी, वो तो किया नहीं, तो उनको डराओ मार देंगे, आएंगे तो काट देंगे, ये मोदी है, अब फिर उसमें योगी जोड़ दिया।
अब ये डराना डराना डरा साहब, मुसलमान समाज में भी अब इन चीजों की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है। मैं मुल्ला मौलवियों की बात नहीं करता हूँ, जिनका वेस्टर्न इंटरेस्ट, तो हिंदुओं में भी ऐसे लोग होते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जनरल मेरा तो काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन होता है और मेरा अनुभव है कि ये जो भड़काने वाली बातें हैं उससे तो वो प्रभावित नहीं हो रहे, वो समझते हैं कि इनका वोट का जमाना इसलिए कर रहे हो। मोदी जी, आज तक किसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई जो ये कहे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण देना गलत है, और आप तो चुनाव में खुलेआम कह रहे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी को पिछले एक महीने से कहता हूं कि आप लिखिए, मैं देश को गारंटी दो, एक आप भारत के संविधान को नहीं बदलेंगे, दूसरा संविधान बदल करके धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, तीसरा आप एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन करके आप धर्म के आधार पर वोट जिहाद वालों को आरक्षण नहीं देंगे, लिख करके दो, नहीं देते हैं। देश को दोनों भाई बयान तक देने की हिम्मत नहीं है, फिर क्या कहते हैं, अरे हमारा मैनिफेस्टो देखो। मैं पूछता हूं, क्या किसी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो करप्शन नहीं करेंगे या करेंगे? करप्शन करेंगे ऐसा उनके मैनिफेस्टो में कहीं पर है क्या? कांग्रेस के पिछले 50-60 साल के मैनिफेस्टो देख लो, एक भी मैनिफेस्टो में उन्होंने करप्शन का कार्यक्रम लिखा है क्या? जरा बताइए ना, करप्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? अब मैं पूछूंगा करप्शन क्यों करते हैं, वो कहेंगे मेरा मैनिफेस्टो देखो कहीं लिखा है क्या। अरे ऐसे थोड़ा होता है जी। और आप देख लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान देख लीजिए, ये शहजादे का बयान देख लीजिए, उनके मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि अब ठेके धर्म के आधार पर दिए जाएंगे। मतलब कहीं ब्रिज बन रहा है तो आज ठेका कैसे मिलता है कि भाई उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, कैपेबिलिटी कितनी है, एक्सपीरियंस क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आर्थिक क्षमता कितनी है, टेक्नोलॉजिकल उनकी क्षमता कितनी है, सारी चीज़ें देख करके टेंडर से कोई व्यक्ति प्राप्त करता है। अब ये क्या कहते हैं, अब इसमें आरक्षण होगा। अब मुझे बताइए साहब, वो ब्रिज बनाना है कि आपको आपके चुनाव जीतना है, और कुछ काम है क्या? इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ तक मैनिफेस्टो में कहा है कि खेल में भी अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाएंगे। अरे भाई, खिलाड़ी सुबह 4 बजे उठ करके पसीना बहाता है जी, तब जाकर के खिलाड़ी बनता है, जिंदगी के 15-20 साल वो खपा देता है। और आप कहोगे ठीक है भाई, तुम उस माँ की गोद से पैदा हुई है, तुम नहीं हो सकते, उस माँ की गोद से पैदा होकर वो आ जाएगा, ये कैसे हो सकता है? और ये हिम्मत इनकी ऐसी चीजें मैनिफेस्टो में लिखने की, क्या देश ऐसे चलाएंगे क्या? हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। लेकिन मोदी जी, ऐसी बातें खान मार्केट गैंग का नाम लेकर के आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की जो आप कह रहे हैं इतने खुले? ऐसा है कि मुझे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, मैं देश के लिए जीता हूं, मैं देश के लिए जूझता हूं, और मेरी प्रत्येक पल देश के लिए है और वो बेकार नहीं जानी चाहिए। मैं मेरी हर पल देश को दे रहा हूं, लेकिन मैं वेस्टेज नहीं होने दूंगा मेरी एक भी पल को। और इसलिए जो गलत हो रहा है आप मुझे बताइए। कल किसी ने मुझे भेजा है, 9000 से ज्यादा ऐसी जगह है, इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इन्होंने एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, माइनॉरिटी का नाम दे दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। एक पीएसयू को अगर आप प्राइवेटाइज करो तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हाउस में चिल्लाते हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हो कि आप एससी एसटी कोटा हट जाएगा तो दलितों को नौकरी का क्या होगा। आपने 9000 इंस्टीट्यूशंस में से एससी एसटी ओबीसी कोटा खत्म कर दिया है। अगर ये सवाल मैं पूछता हूं
और ये जो खान मार्केट गैंग है वो मोदी ने बाएं पैर पहले रखा क्यों, दाहिना क्यों नहीं रखा, इसके लिए एक एक सप्ताह तक देश का समय बर्बाद करते हैं। उनको फुर्सत नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की रक्षा के लिए उन्होंने भी तो आवाज उठानी चाहिए थी, क्यों चुप बैठे। और तब जाकर के मैं खुल करके कहता हूं कि एक इकोसिस्टम जो उनके पापों को संवारने का ही काम करती है और दूसरों के अच्छाइयों को बुरे में कन्वर्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, और देश को उससे मैं सचेत करना चाहता हूं। और अब जब सब जगह पे फेल हो गए तो उन्होंने जुडिशियरी का रास्ता पकड़ा है, अदालतों में जाकर के बैठ जाना, हो हल्ला करना और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करना, ये बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। आप में योग्यता है, क्षमता है, सही है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ो, पार्लियामेंट में आओ, अपनी बात रखो, सरकार गलत करती है तो उसको रोको, तरीके हैं, करने नहीं है, हवा बिगाड़नी है। अब ममता दी ने कह दिया कि हाई कोर्ट का फैसला है आरक्षण को लेकर के, वो नहीं मानेंगे। अब ये कहते हैं कि मोदी संविधान बदल देगा, अब इंदिरा जी ने कहा हाई कोर्ट का फैसला मैं नहीं मानूंगी, इमरजेंसी लाई। ये इसी चट्टे बट्टे के लोग हैं जी, वे लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, उनके लिए चुनाव लोकतंत्र की श्रद्धा नहीं है, चुनाव सत्ता प्राप्त करने का एक जरिया है, उनकी श्रद्धा लोकतंत्र में, मतदाता में, संविधान में, भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है। और इसीलिए मैं जो परिवारवाद के खिलाफ बोलता हूं ना, क्यों बोलता हूं, क्योंकि लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा जब समाप्त हो जाती है तब जाकर के आपको परिवार के बात के भरोसे चलना पड़ता है। और ये सारे लोग, कोई मुझे कहे, कोई किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के कहे कि मैं मेरा बेटा आपको सुपुर्द कर रहा हूं, ये कौन सा लोकतंत्र है जी, ये कौन सा लोकतंत्र है। जनता जनार्दन तय करती है जी, वो पापा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सवाल वही है, वो तो एल्बम तो दिखा रहे हैं, दादी से शुरू होता है एल्बम। मोदी जी, एक बड़ी शिकायत उन सब लोगों की ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कोई बेल पे है, कोई जेल में है, क्या लड़े कैसे। जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते हैं, अब देखिए, नाचना नहीं तो आंगन बांका, ऐसा कैसी कहावत है ना, आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हाँ ऐसी कहावत है। अब पराजय निश्चित है, अब सवाल यह है कि एक तो है भी मॉरल विक्टरी घोषित करो, दूसरा है ईवीएम को गाली दो। अब आपने देखा होगा कि तीसरे चरण के बाद ईवीएम मैदान में आ गया है, ईवीएम के लिए रोना धोना, आंकड़े क्यों पहले नहीं आए, बाद में क्यों नहीं आए, ड्यूरिंग इलेक्शन हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में विवाद खड़े कर दिए जाते हैं, मतलब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत के लोकतंत्र की दुनिया में प्रतिष्ठा न बने, भारत का लोकतंत्र बहुत जीवंत है, भारत के मतदाता बहुत जागरूक है, भारत की चुनाव प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, इस पर वो सवालिया निशान खड़ा करना चाहते हैं, ताकि दुनिया में, और ये हरकत छोटी नहीं है जी, इसको गंभीरता से लिया जाए, और जो भी भारत को प्यार करते हैं उन सबको इस संकट को समझना होगा कि ये मामला सिर्फ ईवीएम कहकर के चुनाव का पराजय का ठिकरा फोड़ने वाला है इतना नहीं है, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही सवालिया निशान दुनिया में लग जाए, ये इनका इरादा है। भारत में बेइज्जती, भारत की दुनिया में बेइज्जती हो इसका खेल है, और मोदी जीत जाए तो आज दुनिया में जितनी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं यानी टू सेंस में डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं, इस चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री दुनिया की सीनियर कैटेगरी में आ जाएगा। हर ग्रुप में वो सीनियर मोस्ट होगा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। इनको अभी से हिसाब किताब लगाते, उनके भी तो एडवाइजर है ना,
देख यार ये तो ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसी डर में सब हो रहा है। लेकिन इससे देश का बहुत नुकसान। और लेवल पे भी ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो वो चुनाव स्थगित होता है। ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो वो सीट चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में आ जाए। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं था। और करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। तो कौन सा लेवल पे भीड़ था देश के इलेक्शन कमीशन, और बाद में वो खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बन के अडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बातें करते हो, और इसलिए जो न्यायिक हो रहा है वो उनको लेवल प्लेफील्ड नहीं लगेगा, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अब तक स्पेशल कैटेगरी स्पेशल फायदा उठाया। मेरी पार्टी के अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मान्य ऑपोजिशन पार्टी, 26 जनवरी 15 अगस्त को मेरी पार्टी के उस समय के अध्यक्ष को 7वीं 8वीं लाइन पर सीट मिलती थी। पार्टी के अध्यक्ष इस देश के किसी इकोसिस्टम को नोटिस करने का मूड नहीं था, राजनाथ जी अध्यक्ष थे। और मैं देखा कि 15 के अंदर उनका एक एमपी जो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं था, उसको 4थी 5वीं रो में सीट थी। देश भर में तूफान मच गया, अपमान कर दिया। यानी ये कैसी आप लोग दरबारी करते हो, किसकी दरबारी करते हो आप लोग? मेरा सवाल है ऐसे लोगों पर, क्या ये लोकतंत्र है, ये लेवल प्ले फील्ड है क्या? और जब सच बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, और अगर सच बोलने की कोई सजा होती है उससे भुगतने के लिए मोदी हमेशा तैयार होता है। देखिए, उनको एक बात बहुत बुरी लगी है कि चुनाव से पहले दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। कोई जेल में डालता है क्या, मुझे बताइए? आपने नोटों के ढेर देखे कि नहीं देखे? आप नोटों के ढेर देख करके आपको क्या लगता है, क्या ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं क्या? नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। अब नोटों के पहाड़ पकड़े जाए और सरकार कुछ करेगी नहीं तो आप कहेंगे यार कुछ एडजस्टमेंट हो चुका है पीछे से। अब यही कहेंगे, आप दिल्ली के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, हर स्कूल के बगल में शराब के ठेके लगा दिए जस्ट करप्शन करने के लिए और न्यायिक प्रक्रिया से। और अगर किसी को देखना है तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम के लिए कल क्या कहा है, दिल्ली के मंत्री के लिए दो दिन पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट करती है निर्णय, हम नहीं करते। न हम किसी को जेल भेज सकते हैं, न हम किसी को जेल में रख सकते हैं, ये निर्णय अदालत करती है। और मेरा मत है, अगर रेलवे के टिकट चेकर को आप तनख्वाह देते हो, उसका काम है ट्रेन में टिकट चेक करे और बिना टिकट वाले को जुर्माना करे, उसका काम है। आप काम करने वाले की तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? मान लीजिए कहीं से हेरोइन पकड़ा गया 1500 करोड़ का, तो हेरोइन पकड़ने वाले को आप तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? किसी गांव में किसी जगह पे चोरी हो गई और किसी पुलिस वाले ने हिम्मत करके चोरी पकड़ ली, तो गांव वाले मिलकर के उसका सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? ईडी 2200 करोड़ रुपया कैश पकड़ के लाया है, देश में पब्लिकली ईडी का सम्मान होना चाहिए। चिल्लाते क्यों हो, इसका मतलब है कि 2200 करोड़ आपका गया है इस देश। बोलो, आप में तो कोई दर्द है क्या, 2200 करोड़ गया है उसका?
आप में से किसी को दर्द है क्या? जिसको दर्द है वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, मतलब 2200 करोड़ में कहीं कहीं उनका हिस्सा है। अब उनके 10 साल में 34 लाख रुपया कब्जा हुआ, एक स्कूल बैग में बच्चा लिख करके जाए इतना। हमने 2200 करोड़ पकड़ा, मतलब 70 टेम्पो चाहिए 70 उसको भरने के लिए। ईडी काम कर रहा, और मेरा तो मेरा एज ए प्राइम मिनिस्टर मेरा, मैं 2014 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़के आया हूँ, देश की जनता ने इसी काम के लिए मुझे बिठाया है। मोदी जी, पहले ऐसा नहीं होता था, आपने ये नई चीजें शुरू की हैं, कोई नेताओं को नहीं पकड़ता था, वो राजनीति में आते इसलिए थे कि करें और बचे रहें। देश की जनता यही कहती है कि आप छोटे छोटे लोगों को तो जेल में डाल देते हो और बड़े बड़े खिलाड़ी छूट जाते हैं, अब ये देश में होगा नहीं। मुझे किसी के कोई मेरा अच्छा मेरे लिए एडिटोरियल लिख दे, इसलिए मैं सरकार नहीं चलाता हूँ जी। किसी टीवी पर मेरी हेडलाइन अच्छी आ जाए, इसके लिए मैं सरकार नहीं चलाता हूँ। मेरे देश के लोगों की जिंदगी बने, मेरे देश से भ्रष्टाचार चला जाए, इसलिए मैं सरकार चलाता हूँ। मैं मालाएं पहनने के लिए नहीं निकलाऊंगी। आपकी सरकार के काम को लेकर के एक छोटा सा वीडियो मेरे पास में है। बहुत सारी बूढ़ी औरतें हैं, उन्होंने आपके काम के बारे में अलग अलग जगह, और ये सोशल मीडिया पर सब अवेलेबल है, बहुत वायरल हुआ है, ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी पसंद है? अरे लीजिए, वो कहे वाली बात है, सबसे बेस्ट काम कर रहा, सबसे उन्नति हो रहा है देश का। मोदी अच्छा नहीं था और कौन अच्छा है? इतना पार्टी आया, इतना गया, कोई देश का भलाई किया? वो जब तक रहेंगे तब तक देश चलाएंगे। अच्छा, लैटरिंग दी, पानी दिया, पिल्सन दी, वोट देता मेरे को। अच्छा, वोट तो दोगे? वोट देंगे जरूर, प्लाज में देंगे। अच्छा, कुछ ना मिला? अरे हम कहिए लेकिन योगी मोदी के लिए काम हूँ कर देखूंगा, दूसरे के वोट कहीं के देगी, हमें खाएगा लेना, पैसा देना। सचो सब का झूठा, घर मारा बना दिया, शौचालय मारे बना दिए, 500 रुपए तिल चढ़ाना मारे, और क्या भाई, मा तो मोदी रहेगा जब तक मेरी जिंदगी, और क्या, ऐसी सरकार तो आई नहीं जैसी सरकार है भाई। एक तो मैं इन माताओं का बहुत आभारी हूँ कि वो ऐसा खुल करके आशीर्वाद दे रही है, लेकिन मीडिया जगत के लोग जरा एनालिसिस करें कि बड़े बड़े नेता भी इतनी बारीकी से, इतनी स्पष्टता से नहीं बोलते जितना एक अनुभव किया हुआ व्यक्ति बोल रहा है। मतलब ये सच्चाई बोल रही है, ये शब्दों का श्रृंगार नहीं है, ये भीतर से निकला हुआ एक आशीर्वाद का पत्र है जी, और यही मेरी ताकत है। और मेरी सरकार की अगर कोई विशेषता है तो यही है, लास्ट माइल डिलीवरी, आखिरी व्यक्ति तक जो योजना है वो पहुंचनी चाहिए। और मुझे खुशी है, ये जब मैं सुनता हूं, मुझे खुशी है कि मैं इस काम को कर पाया हूं। और मैं दोनों, अगर ये माँ आशीर्वाद दे रही तो वो भी काम इतनी ही लगन से करता हूं, और चंद्रयान जाता है तो वो भी काम उतनी ही लगन से करता हूं। मैं सभी सर्वांगीण विकास के पक्ष में हूं और मैं कोशिश करता हूं, लेकिन माताओं का आशीर्वाद मुझे हमेशा रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। मोदी जी, आप हमेशा कहते हैं कि ये जो पैसा इन लोगों तक डायरेक्ट पहुंचता है वो डिजिटल है, इसलिए पहुंचता है। एस जयशंकर आपकी अदालत में आया, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट किस्सा बताया। उन्होंने कहा जब वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना था, वो अमेरिका में थे, अपने बेटे को मिलने गए थे, तो रेस्टोरेंट में जाने लगे तो उन्होंने अपने मोबाइल से दिखाया और बेटे ने जेब से मुड़ा तोड़ा कागज निकाला, तो उनको लगा कि हाँ, ये भारत है और ये अमेरिका है। ये एक समाचार सुनकर के आनंद होता है, लेकिन पार्लियामेंट में, देश के सुप्रीम कोर्ट में जिनकी धाक चलती है, ऐसे व्यक्ति जो कभी देश के वित्त मंत्री रहे लंबे अरसे तक, वे पार्लियामेंट में इस युग में ये कहे कि देश में मोबाइल कौन जानता है, इंटरनेट कौन जानता है, ये फिनटेक का तो क्या लेना देना है,
और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ही वर्षों पहले की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ मेरा देश डिजिटल इंडिया के दूसरी है, G20 समूह में मैंने देखा दुनिया का हर देश मुझे पूछता था कि इतना बड़ी रिवॉल्यूशन आई कैसे। और जब लोग आज भी विदेश से मेहमान आते हैं तो उनकी एम्बेसी उनको किसी रेडी पटरी वाले के यहाँ ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये ऑनलाइन पैसे लेगा, बोले ऑनलाइन लेगा, लैंग्वेज नहीं जानता है तो भी। और इसलिए हमारे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कोविड के समय दुनिया के कई देशों ने, समृद्ध देशों ने अपने नागरिकों को पैसे देने की योजना बनाई है, लेकिन दे नहीं पाए, उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं था। आज मैं जब किसान सम्मान निधि देता हूँ ना 2000 रुपये साल में 3 बार, मुझे 30 सेकंड लगता है 11 करोड़ के खाते में पैसा जमा हो, 30 सेकंड। हमने, मेरे लिए टेक्नोलॉजी, जैसे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ तो एक तो ये जो एजेंसियाँ वो अपना काम करती है, लेकिन मैं भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसफर से लाने का काम करता हूँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हमने करीब करीब 35-38 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है 10 साल में। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। अब वो कौन सा पंजा ये 85 पैसे मार लेता था, क्योंकि उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं की सरकार थी। अब पंजे के हाथ में झाड़ू भी है, तो पहले पंजा 85 पैसे मारता था, 95 पैसा मारेगा, क्योंकि अब सफाई की सुविधा बढ़ गई उनकी। अब इसलिए आप देखिए, उस हिसाब से मैं देखूं तो 38 लाख करोड़ रुपीस अगर उस जमाने की पद्धति से चलता तो करीब करीब 28 लाख करोड़ रुपया किसी पंजे ने मार लिया होता। अब ये पैसा सीधा जाता है, उसके खाते में जाता है, तब जाकर के आवाज निकलती है। ये जो दिल की आवाज है ना, उसके कान निकलती है, और उसको लगता है कि दिल्ली में उसका बेटा बैठा, उसका असर है। देखिए, सरकारें तो पहली भी रही, ब्यूरोक्रेसी भी यही थी, सिस्टम भी यही थे, तो आपने ऐसा क्या बदल दिया कि अब ये सीधा पैसा जाता है, ये बूढ़ी माताएं इस तरह की बात कहती हैं? एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं वो ज़्यादातर केंद्र की ही राजनीति का हिस्सा रहे हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री हैं जो राज्य में काम करके के आए हैं, और जो आए हैं वो भी बहुत कम समय के लिए उनको अवसर मिला है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसको लंबे अरसे तक, लॉन्गेस्ट टेन्योर है मेरा, मेरे स्टेट का, और एक अच्छे राज्य का लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया, और वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री जो काम करने वाला मुख्यमंत्री, यानी फाइलें खाली देखने वाला नहीं, बदलाव की विजन के साथ काम करने वाला। तो मेरे पास वो अनुभव है, तो एक तो उस अनुभव, और जैसे मैंने एक छोटा सा काम किया, शायद मैं पहली बार मीडिया के सामने बात बताता हूँ। मैं जब थोड़ा लंबा समय जाएगा तो जी जी बिल्कुल, आपके दर्शक बाद में तंग आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो देखिए आप बताइए, तंग आ जाएंगे। मैं दो 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 अनुभव सुनाना चाहता हूँ, इससे आपको पता चले कि काम कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। मैं अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा था 7 अक्टूबर 2001 को। मैं कभी MLA नहीं बना, मैंने कभी पुलिस थाना नहीं देखा था, मुझे कुछ ये सरकार वर्कर कुछ समझ ही नहीं थी, इट्स अ फैक्ट ऑफ माय लाइफ। अचानक मुख्यमंत्री बना तो भूकंप था वहाँ, तो भूकंप के कुछ महीनों के बाद मुझे काम मिला, तो मैं सफर लेने के तुरंत बाद भूकंपग्रस्त इलाके में चला गया, क्योंकि उस शताब्दी का दुनिया का एक बड़ा भूकंप माना जाता है। तो मैं देखा कि लोग को 7-8 महीने हो चुके थे भूकंप को, शिकायतें कर रहे थे, स्थितियाँ भी मुझे कोई नज़र नहीं आई बदलती। तो मैं देखा कि भी मैं वापस आया,
मैंने मेरे अफसरों की मीटिंग ली, फिर मैंने उनको पूछा कि भाई कैसे हैं, क्या है, आगे कैसे करेंगे भूकंप का। तो उन्होंने मुझे बताया सारा कि भाई मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में है ये जो फाइनेंशियल ईयर घुस गया है, देश उससे नहीं चलता है। मेरी मुझे पहली लड़ाई मेरी भी हुई। मैंने कहा तुम दिमाग में से फाइनेंशियल निकाल दीजिए, मार्च महीना निकाल दीजिए, 26 जनवरी जब एक साल होगा, दुनिया भर का मीडिया कुछ कच भुज में आएगा, उस दिन वो ये देखेगा, तब उसको ये तुम बॉल लेके मत खड़े रहना कि मार्च तक का हमारा योजना है, मुझे बताओ तुम दिसंबर एंड तक क्या करोगे, सारा प्रोग्राम प्रीपोन करो। तो अफसरों को लगा यार आदमी को कुछ समझ है। फिर मैंने कहा कोई शायद 43 ब्लॉक्स ऐसे थे जो भूकंप ग्रस्त थे, तो मैंने अफसरों को कहा सभी सचिव एक एक ब्लॉक में जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे वो वहीं रहेगा भूकंप ग्रस्त इलाके में, मंडे को दो शाम को मैं मीटिंग लूंगा रिव्यू की, और जो ब्लॉक में आप जाएंगे आप ये मान के चलिए कि आप उस ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर हैं, आप ही चीफ मिनिस्टर हैं, करके आओ। मैंने कहा अब ये गए वापिस आए, मैंने मीटिंग ली, बोले साहब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? ये बोले हमारा नियम ऐसा है। मैंने कहा नियम किसने बनाया? बोले हमने बनाया। क्यों? एयर कंडीशन कंपनी ने बनाया था। जमीन पे जाकर के आया, उनको पता चला सरकार के बने हुए नियम ही जनता के खिलाफ थे। मैंने कहा ना आप ब्लॉक के सीएम हैं, मुझे बता के आप कैसा सीएम मेरा काम करता है बताओ। उन्होंने फिर सारे नियम बदले, रेगुलेशंस बदले, और उनको लगा कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और सचमुच में दिसंबर एंड तक इतना बढ़िया काम हो गया। और मैंने जनवरी में आकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने दिल्ली में दुनिया के सभी एम्बेसीज को बुलाया था, क्योंकि सभी देशों ने मदद की थी गुजरात को, और मैंने देखा कि 22 जनवरी से दुनिया भर का मीडिया वहां पहुंचा हुआ था। और आप मीडिया देख लेना, सिवाय तारीफ कुछ नहीं है उसमें, सिवाय तारीफ कुछ नहीं है। तो गवर्नेंस को कैसे, वही ब्यूरोक्रेसी, वही नियम, वही सर। फिर मैंने यहां आया तो क्या काम किया वो दूसरा बताता हूं। मैंने सारे सचिवों की मीटिंग की, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, मेरे जैसे तो सैकड़ों नेताओं को देख चुके हैं, कई लोग तो ऐसे जो दो दो चार चार प्रधानमंत्री देख चुके हैं, तो उनके लिए तो ये सब चना ममरा होता है, ये हकीकत है। तो मैंने मीटिंग की, मैंने कहा भाई ये काम करना है, आप लोग जब मसूरी से निकले होंगे, पहली पोस्टिंग जो आपकी हुई होगी आईएएस का, घर में बड़ी आईएएस बन गया वगैरह, मगर पहली जहां नौकरी की थी जो छोटा सा एरिया रहा होगा जहां आपको भेजा गया होगा, मैंने कहा कि आप वहां वापस जाइए, उसी गांव में जाइए, हो सके तो पूरे परिवार को लेके जाइए। और उस समय कहां रहते थे, दफ्तर कैसा था, उस समय गांव कैसा था, ये सारा अपने परिवार को दिखाइए, खर्चा सरकार करेगी, और आकर के मुझे बताइए कि आप वहां से यहां पहुंच गए, जिस गांव को आप छोड़ के आए था वो कहां। मुझे कोई क्लास नहीं लेना पड़ा, सबने आकर के कहा कि साहब हमारी आंखें खुल गई, हम 30 साल पहले जहां गए थे वहां तो वैसा का वैसा हालत है, हमारी जिंदगी तो बदल गई, हमारे बच्चे भी तो दुनिया में पहुंच गए, वो वही है। मैंने कहा किसने बनाई नीतियां, तो मैं उनको रियलाइज करवाता हूं, मैं उनको मोटिवेट करता हूं, इसलिए सरकार वही, दफ्तर वही, फाइल वही, कानून वही, नियम वही, लेकिन अगर थोड़ा तरीका बदल दें तो स्थितियां बदली जा सकती है, और वो मैं बदल रहा हूं। मेरा पहला अनुभव दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी को तब आया जब मैं प्रधानमंत्री जनधन स्कीम लेकर के आया, और मैंने तय किया कि भाई बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोलने के लिए, इंदिरा जी के भाषण सुन लीजिए आप, और सारी बैंकों को उन्होंने रातों रात जब्त कर लिया था। मैंने यहां देखा कि 50% इस देश के लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बैंक का दरवाजा ही देखा नहीं है। अब वो कौन है? SC ST OBC वही समाज है।
मैंने कहा हर एक का मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, तो साहब बैंक वालों का साहब कुछ तो उन्होंने पूंजी डाली, मैंने कहा उनके पास एक पैसा नहीं है, बिना पूंजी डालना है। तो फिर बोले कहा स्टेशनरी का खर्चा होगा, मैंने कहा स्टेशनरी का खर्चा हम सरकारी बजट से देंगे, लेकिन मुझे खाते खोलने, लेकिन बोले साहब हम घोषणा कर देते हैं जो भी आएगा, नहीं जो आएगा नहीं, ढूंढना है किसका खाता नहीं खुला, उसके घर जाना है ढूंढ के लाओ। खैर मैंने सब बताया, हमारे अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब वो यहीं से पले बड़े थे आप ही के बीच में, तो उनकी दुनिया तो अलग ही थी। तो उन्होंने कहा मोदी जी सब नीचे तक, मैंने कहा ऐसे नहीं भाई, मैं हर हफ्ते पूछ मीटिंग लूँगा और मैं कहा आपको भी बैठना होगा, तो करीब 30-40 अफसरों को हर हफ्ते मैं बुलाता, तो बताओ भाई आज कितने अकाउंट खुले, कौन से बैंक का कितना पा। अरे बोले साहब प्राइम मिनिस्टर ही कैसे करता है, मैं कहा ये प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही है। और पहली बार भारत सरकार के अधिकारियों को पता चला कि काम करने वाली सरकार का मतलब ये होता है। और फिर मैंने बैंक के लोगों से बातें की, मैं एक एक ब्रांच को फोन करता था जी कि भाई बताओ तुम्हारे यहाँ काम क्यों ढीला है, कोई अच्छा करता तो उसको फोन करता है, यार तुमने बड़ी मेहनत की, तुम्हारे इलाके के तो सारे बैंक अकाउंट खुल गए, कैसे किया। तो मैं करीब 3 महीने उसमें लगा रहा और आज मुझे गर्व है कि मेरे देश के हर गरीब का बैंक में अकाउंट है जी, और उसके कारण ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है जी। अगर वो न होता, अच्छा जब मैं पहले खाते खुलवाता था तो लोगों को लगता था यार मोदी जी के दिमाग में किसी ने भर दिया है, उनको मालूम नहीं है कि मोदी की डिजाइन बहुत लंबी होती है। उस समय सिर्फ खाते खोलता था मैं, आज उसकी जिंदगी बदल रहा हूं उसके माध्यम से, और आज लाखों करोड़ रुपया बैंकों के उनके नाम पे जमा है जी, जो कभी बेचारे घर में अनाज के अंदर छुपा करके रखते थे पैसे, और कभी पति की आदत, ये दिल्ली जैसी सरकार हो किसी को शराब पिलाने की आदत डाल दी हो तो वहां से वो पैसे भी मार लेता था। तो मैंने कईयों की जिंदगी बचाई है जी। उन्होंने तो अच्छा किया था, एक के साथ एक बोतल फ्री, इसका कारण है कि उनको हर बोतल पे पैसा कमीशन मिलता है, भ्रष्टाचार उनका बोतल पे है, और इसलिए वो फ्री देने में कमीशन उनका तो पक्का है। वो ये कहते हैं कि बाकी जगह तो नोटों की गड्डियां मिलती हैं, मेरे यहाँ एक चवन्नी भी नहीं मिली। ऐसा है कि वो अफसर रहे हुए, इसको मालूम है सरकार किस प्रकार से करते हैं उन चीजों की, वो तो घेराबंदी कर ही लेंगे। जो 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 अनुभवी चोर रहता है ना, उसको बड़ी सुविधा रहती है। जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा उसको मालूम होगा ईडी ऐसे जाएगी, सीबीआई ऐसे जाएगी, पर इतनी चीजों को चौक चौकन कर लीजिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सोच के रखता है ये। जैसे आप लोग हैं इतने सालों, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आएगा तो आप आराम से तय कर सकते हैं कि ऐसा करें। जनता में से 2-3 सवाल हमारे पास में है, सुधीर सेठ का एक सवाल है। सुधीर सेठ, मेरा सवाल है, जो आपके परिवार के सदस्य एनआरआई बाहर रह रहे हैं उनका बार बार हमें पूछना होता है कि इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया इंडिया ने पोस्ट कोविड और इतनी वॉर्स के बाद भी। वो कह रहे हैं कि जो दूसरे मुल्क हैं वहाँ जो लोग रहते हैं वो इनको कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो इतनी महंगाई है यूरोप में अमेरिका में, ये मोदी जी ने कैसे कंट्रोल करके रखा है। ऐसा है कि मैं जब कोविड के समय मैं बहुत लोगों को मिलता था, कोविड के समय वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करता था, तो दुनिया भर के मैं नोबेल प्राइज विनर वगैरह ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं पूछता था भाई स्थितियों में क्या लगता है आपको। और मुझे, और यहाँ आपने देखा होगा जो लोग आज उद्योगपतियों को गाली देते हैं, उन लोगों ने कोविड के समय बयान है कि आप उद्योगों को पैसे दो, उनके बयान है, उनके थियरी था कि नोट छापो और नोट बांटो वरना देश बचेगा नहीं। अब ये एकेडमिक वर्ल्ड के ये इकोनॉमिस्ट लोग थे, नोबेल प्राइज विनर लोग भी मुझे आकर के भी मिलते थे, मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं ना नोटें छापूंगा ना मैं नोटें बांटूंगा। ये एक निर्णय मैं करी दूरी दुनिया में शायद मैं अकेला इंसान हूँ जिसने इतना बड़ा कठोर निर्णय किया। मैंने कहा मैं बांटूंगा तो अनाज बांटूंगा, मेरे गरीब के घर का चूल्हा जलता नहीं, वो भूखा नहीं रहना चाहिए, बाकी सब संभालूंगा। और फिर मैंने एमएसएमईज को कहा कि बैंक से आपको क्रेडिट देने की मैं व्यवस्था करता हूँ, आप बैंक से क्रेडिट लीजिए और अपनी ताकत बताइए, तो उनको मैं अवसर दूंगा।
उन सारी नीतियों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि मेरे यहाँ जो नोटों बांटने के कारण जो इन्फ्लेशन की स्थिति बनती है, मेरा देश उस चक्कर में नहीं फंसा। ये अचानक नहीं हुआ है, एक के बाद एक कदम लिए हैं जिसका परिणाम है। और इन कदमों के पीछे कोई एकेडमिक इकोनॉमिस्ट मुझे काम नहीं आ सकता है। मेरा 13-14 साल का मुख्यमंत्री के नाते जो अनुभव है वो मुझे काम आया है। मैं आपको हैरानी होगी जानकर के, हिंदुस्तान में शायद नेशनल लेवल पे मैं अकेला एक ऐसा लीडर हूँ, शायद, मैं शायद कह रहा हूँ, जिसने इस देश के कम से कम 90% डिस्ट्रिक्ट्स में रात्रि मुकाम किया है। इस देश के 90% डिस्ट्रिक्ट में रात्रि मुकाम किया हुआ मैं इंसान हूं, दरी पर सोकर के निकला हुआ इंसान हूं, और इसलिए मुझे जमीनी चीजों की समझ है और यहां मेरे पास इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज है। इन सबको जब मिलाकर के मैं निकालता हूं, उसमें से एक पॉलिसी बनती है और उसका परिणाम है कि आज इंदिरा जी के समय सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन था हमारे देश में, मनमोहन सिंह के समय आज से भी ज्यादा इन्फ्लेशन था। इतना ही नहीं, अगर लाल किले से पंडित नेहरू का एक भाषण आप YouTube पर जाएंगे, मैं चाहूंगा कि ये गूगल गुरु वाले जितने विद्यार्थी हैं वो जरा YouTube पर जाकर के देखें, पंडित नेहरू का लाल किले का भाषण है। और लाल किले के भाषण पे, वैसे आप इंदिरा जी का भाषण सुनिए, नेहरू जी का सुनिए, राजीव गांधी जी का सुनिए, मनमोहन सिंह जी का सुनिए, इन सब के भाषण में एक चीज कॉमन है, एक गरीबी हटाओ, दूसरा महंगाई, इन सब के भाषण में लाल किले से। और कारण क्या दिया नेहरू जी ने? नेहरू जी ने कारण ये दिया कि महंगाई बहुत है, मैं जानता हूं आपको तकलीफ होती होगी, लेकिन आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई चल रही है, उसके कारण हमें जरा महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। ये उस समय उनका भाषण, तब दुनिया का ग्लोबलाइजेशन का माहौल कहीं नहीं था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई से भारत का कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद भी भारत की महंगाई के लिए उन्होंने ठिकरा फोड़ा था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई में। नेहरू जी का भाषण अवेलेबल है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अभी तो जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसमें फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल तीनों पर सीधा इंपैक्ट है। इसके बावजूद भी आज दुनिया में यूरिया की बोरी 3,000 रुपये में बिकती है, मेरे देश के किसान को 300 रुपये से भी कम में मिलती है। तो हमने हर चीजों को उस प्रकार से सिस्टमेटिक कंट्रोल किया हुआ है, उसका परिणाम यह है कि देश में ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं चल रहा है, देश में स्कैर्सिटी की भी समस्या नहीं आ रही है, ठीक ढंग से चला पाए हैं। ये लोग इतनी गालियां दे रहे हैं लेकिन चिपकती क्यों नहीं है? चिपकती इसलिए नहीं कि ये पुराने डायलॉग लेके घूम रहे हैं जी। अब आप पुराने डायलॉग से नई फिल्म बनाओगे तो नहीं चलेगी जी, बेकार में मेहनत कर रहे हैं। आज हम फाइनल राउंड में हैं, बस 2-3 मिनट में। एक सवाल राजेंद्र टिकिया का है। हिंदुस्तान की राजनीति जो अभी तक देखी है उसमें सोनिया गांधी जी जो कर रही हैं वो राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जो कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही शरद पवार, ममता बनर्जी, ये सब नेता अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। आप जितनी अथाह मेहनत, आपकी मेहनत के मुरीद तो आपके विरोधी भी हैं, हम सभी आपसे जानना चाहते हैं कि आपके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर आप इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हर कोई राजनीति में, अभी जितने दलों के अपने नाम दिए, ये दल ऐसे हैं जिनमें 3 विशेषताएं कॉमन है ये इंडिया अलायंस में, और उनको जोड़ने का कारण भी है, ये सभी गौर सांप्रदायिक हैं, गौर जातिवादी हैं और गौर परिवारवादी हैं। अब ये हिंदुस्तान में हर किसी के मन में सवाल उठता है
कुछ लोग अलग तरीके पे बोलते इतनी एनर्जी लाती कहाँ से, ऐसे पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतनी मेहनत काहे कर रहे हो, क्यों मर रहे हो यार, 10 साल हो गए। मुझे एक नेता मिलने आए थे एक बार, बहुत बड़े लीडर, पहली टर्म में मेरे आखिरी 5वां साल था। बोले मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इससे आगे क्या होता है दुनिया में, इतनी मेहनत क्यों करते हो, ऐसा मुझे कहा था। क्योंकि उनके एक ही प्रकार की सोच में से देश की राजनीति चली है। मैं समझता हूँ कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, वे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करते हैं, मैं भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करता हूँ, वे भी अपने परिवार के लिए करते हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए करता हूँ। उनके परिवार में 5-6 लोग हैं तो उनको 5-6 लोगों के लिए मेहनत करनी होती तो उतने घंटे में चल जाता है। मेरे परिवार में 140 करोड़ है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेरे परिवार में भी 5-6 होते तो मुझे भी कुछ नहीं करना, इधर से 2-4 इंटरव्यू दे देता, रजत शर्मा को जरा चाय पिला देता, मेरी गाड़ी चल जाती। लेकिन मैं 140 करोड़ मेरे परिवारजन के लिए जीता हूँ और इसलिए मेहनत भी करता हूँ। उनकी जिंदगी, उनके सपने, और मैं कहता हूँ आपके सपने, ये मेरा संकल्प है और मेरा पल पल आपके लिए है, मेरा पल पल देश के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं कि 24/7 फॉर 2047। मोदी जी, एक क्योंकि चुनाव का वक्त है, तरह तरह के प्रेडिक्शन और दावे किए जा रहे हैं, क्या क्या दावे कर रहे हैं लोग वो एक बार मैं दिखा देता हूं, ये मेरा फाइनल सवाल होगा। चुनाव ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में खत्म हो गया है, पिछले 4 फेजेस के परिणाम साफ है और नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएंगे। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भारी बहुमत से जीत रहे हैं, हमारे जितने भी सर्वे आ रहे हैं। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये 2019 के वीडियोस हैं। आप एक काम अच्छा किया 2019 के जगह, मैं तो कहता हूँ आप 2014 के निकाल दीजिए, यही डायलॉग है, 2019 के निकाल दीजिए, यही डायलॉग है, और 2024 में भी वही डायलॉग चल रहे हैं। और जनता ने भी अपना मिजाज वैसा कि वैसा रखा है कि इनकी शब्दों की कोई असर उन पर नहीं है। और निराशा है तो पहले वो कहते थे कि मोदी 400 पार आंकड़ा कैसे दे सकता है, मतलब कि उसने ईवीएम में कुछ गड़बड़ किया है। अब मैं उनको पूछता हूँ कि तुम आंकड़ा कहाँ से देते हो, तुमने वो कौन से ईवीएम को पकड़ा है बता। अब देखिए उनको, आपने देखो गंभीर से गंभीर पेशेंट आएगा ना तो भी डॉक्टर कहेगा नहीं चिंता मत करो ठीक हो जाओगे, तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को जरा दौड़ाने के लिए मीडिया में जगह बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं आप इतना भी ना कर दे भाई, अब 4 जून के बाद बेचारे परेशान हो जाएंगे, 4 जून तक तो जिंदा रहने दो। 4 जून की बात नहीं, अब आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। ऐसा है कि मैं अभी भी मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है, वरना मैं जिस जिंदगी से निकला हूँ यहाँ आने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता जी, कोई रास्ता नहीं जो मुझे यहाँ ले आए। ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है, मुझे भेजा है, और मेरा मार्गदर्शन भी परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, मुझे रास्ता भी परमात्मा स्वयं दिखा रहे हैं। परिश्रम का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का जो जज्बा है वो भी परमात्मा स्वयं की कृपा से मिलता रहता है, और उसी को लेकर मैं करता हूँ। और मुझे पक्का लगता है कि विकसित भारत 2047 तक का टारगेट ये भी ईश्वर ने ही मुझसे करवाया है, और जब तक पूरा नहीं होगा वो मुझे वापस नहीं बुलाएगा। और आज दुनिया में कहीं और जगह नहीं है मेरे लिए, यही है।
क्योंकि हिंदुस्तान को दुनिया के लिए भी कुछ करने के लिए देश का, आप अगर विवेकानंद जी को पढ़ा होगा, श्री अरविंद को पढ़ा होगा, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक पर्पज को लेकर के देश है जो विश्व कल्याण उसके ही हाथों से होना है। मोदी जी, आपके लिए एक व्यूअर ने चार लाइनें लिख के भेजी हैं। इन्होंने लिखा है, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं। हवाओं से कह दो आजमा के दिखाएं, बहुत दिए बुझाए हैं, एक दिया जला के दिखाएं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं सबका, बहुत धन्यवाद। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की बात से कन्विंस हैं, वो खड़े होके हाथ उठा के ताली बजा के समर्थन करें।